चुनाव के नतीजों से पहले अब राजनेता भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, पर सवाल यह है कि अब की बार किसकी सरकार। जैसा कि सभी जानते हैं, 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है, वहीं 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सभी के सामने आएंगे। वहीं जनता के बीच वोट मांगने के बाद तमाम नेता भगवान के दरबार का रुख कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ध्यान में है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नैना देवी के दर्शन करने गए हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी ने शिमला में जाखू मंदिर जाकर दर्शन पूजन किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। अब चुनाव के नतीजों से पहले ऐसे नजारे देखना तो आम बात। वहीं बात करें पीएम मोदी की, तो वो फिलहाल कन्याकुमारी में है, जहां वो समंदर में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे यानी 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। इस दौरान वो केवल अंगूर के जूस और नारियल पानी का ही सेवन करेंगे। अब की बार सरकार किसकी होगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह सभी पार्टियों ने जोर शोर से प्रचार किया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी पूजा पाठ का असर उनकी पार्टी को जीत दिलाने में सहयोग देगी। इस खबर पर आपके क्या विचार है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए गुजरात मित्र।